नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज सेकंड ईयर की क्लास में फर्स्ट पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले पेपर में आपको प्रश्नावली के बारे में अध्ययन कराऊंगी। प्रश्नावली डेटा कलेक्शन का वह मेथड है जिसमें स्वयं उत्तरदाता सूचनाओं को लिखता है। यह प्राथमिक सामग्री एकत्रित करने की बहुत ही अच्छी विधि है और इसके माध्यम से जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं वह पूर्णतया ऑथेंटिक होती हैं। सोशल साइंस में रिसर्च डेटा पर ही डिपेंड करता है। जितना ऑथेंटिक हम डेटा कलेक्ट करते हैं उतने ही ऑथेंटिक हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। हमारा डेटा ही हमें अच्छे रिजल्ट्स की ओर लेकर जाता है। तो इस प्रश्नावली को समझने के लिए हमने दो डेफिनेशंस ली हैं। गुड्डे एवं हट के अनुसार साधारणतः प्रश्नावली शब्द प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें स्वयं उत्तरदाता द्वारा भरे जाने वाले पत्रक का प्रयोग किया जाता है। तो ये डेफिनेशन हमें बता रही है कि प्रश्नावली प्रश्नों की सूची है और इस प्रश्नों की सूची को उत्तरदाता द्वारा भरा जाता है। अगली डेफिनेशन हमने ली है सिन पाओ यंग के अनुसार, अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक अनुसूची है जो कि अनुसूचित अथवा सर्वेक्षण में निदर्शन के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजी जाती है। तो ये दोनों डेफिनेशन से हमें समझ आ रहा है कि प्रश्नावली प्रश्नों की सूची है जिसमें स्वयं उत्तरदाता उत्तर भरता है और उसके पास में यह डाक द्वारा भेजी जाती है। सूचनादाता डाक द्वारा इन प्रश्नावलियों को प्राप्त करता है और पुनः डाक द्वारा ही इन प्रश्नों को उत्तरों को लिखकर पुनः अनुसंधानकर्ता के पास में पहुंचा देता है। तो प्रश्नावली प्राथमिक सामग्री एकत्रित करने की प्रत्यक्ष विधि है जिसके अंतर्गत स्वयं उत्तरदाता द्वारा उत्तरों को लिखा जाता है। क्योंकि अनुसंधान डेटा पर ही डिपेंड करता है तो जितने अच्छे तरीके से हम और जितने अधिक लोगों से हम अपना डेटा कलेक्ट करेंगे उतना ही अच्छा हमारा रिसर्च होगा। तो प्रश्नावली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की अध्ययन भी हम अपने इस अध्याय में करेंगे। प्रश्नावली प्रश्नों की सूची जिसे डाक द्वारा भेजा जाता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट, प्रश्नावली सूचनादाताओं से प्राथमिक सामग्री एकत्रित करने की प्रत्यक्ष विधि है। परिभाषाओं से भी स्पष्ट हुआ था कि प्रश्नावली द्वारा सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक सामग्री एकत्रित की जाती है। हमने पूर्व में भी अध्ययन किया था कि प्राथमिक सामग्री क्या है, जब स्वयं अनुसंधानकर्ता सूचनाओं को एकत्रित करता है तो प्रश्नावली के माध्यम से भी स्वयं अनुसंधानकर्ता तथ्यों को एकत्रित करता है। अतः प्रश्नावली सूचनादाताओं से प्राथमिक सामग्री एकत्रित करने की प्रत्यक्ष विधि है। सेकंड, इसमें स्पष्ट एवं सरल भाषा में सामान्य तथ्यों से संबंधित तथा प्राय प्रेरणादायक प्रश्न होते हैं। प्रश्नावली में सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है ताकि उत्तरदाता उनको स्वयं समझ सके और उनके उत्तर लिख सके। यह प्रेरणादायक भी होते हैं प्रश्न ताकि वह इन मोटिवेशनल क्वेश्चंस को समझकर और से अधिक उत्तर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट विशेषता है, इसे डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है। प्रश्नावली को डाक द्वारा ही सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है। अनुसंधानकर्ता स्वयं फील्ड में जाकर प्रश्नावली को नहीं देता। अगली विशेषता है, प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। परिभाषा से भी स्पष्ट हुआ था और विशेषताओं में भी हमने अध्ययन किया कि प्रश्नावली सूचनादाता द्वारा स्वयं भरी जाती है, तो अतः आवश्यक है कि उत्तरदाता शिक्षित हो। तो प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, प्रश्नावली को आवश्यक रूप में केवल सूचनादाता ही स्वयं भरता है, अर्थात
क्योंकि वह शिक्षित है और शिक्षित उत्तरदाता का ही हमने चयन किया है, तो प्रश्नावली को आवश्यक रूप से स्वयं उत्तरदाता द्वारा ही भरा जाता है। नेक्स्ट है, प्रश्नावली का प्रयोग विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रश्नावली को डाक द्वारा भेजा जाता है और अनुसंधानकर्ता स्वयं फील्ड में नहीं जाता, अतः एक अधिक लंबे एरिया में भी सूचनादाताओं से तथ्य एकत्रित किया जा सकता है, क्योंकि डाक को पहुंचाना स्वयं के पहुंचने से आसान होता है। अगली विशेषता है, उत्तरदाता द्वारा भरी गई प्रश्नावली डाक द्वारा ही वापस अध्ययनकर्ता के पास भेजी जाती है, अर्थात सूचनादाता स्वयं भी उत्तरदाता के पास डाक द्वारा ही प्रश्नावली को भेजता है और उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर देने के बाद पुनः अध्ययनकर्ता के पास डाक द्वारा ही अपनी प्रश्नावली को लौटाता है। नेक्स्ट है, प्रश्नावली को डाक द्वारा एक साथ अनेक सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, तो प्रश्नावली को एक साथ बहुत सारे सूचनादाताओं के पास में भेजा जा सकता है। जैसे हमने अवलोकन में पढ़ा था कि अवलोकन में अनुसंधानकर्ता एक ही एरिया का अवलोकन कर सकता है, अनुसूची भरते समय भी वह एक ही उत्तरदाता से सूचना एकत्रित कर सकता है, लेकिन प्रश्नावली को डाक द्वारा एक साथ अनेक सूचनादाताओं के पास भेजा जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता है, प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता क्योंकि सूचनादाता के समक्ष नहीं होता, इसलिए वे निसंकोच अनेक आंतरिक सूचनाएं भी दे देते हैं। तो प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं होता, फील्ड में नहीं जाता, इसलिए उत्तरदाता चूंकि कभी कभी गहन और गुप्त सूचनाएं भी इसके माध्यम से लिखकर सूचनादाता अनुसंधानकर्ता को प्रेषित कर देता है। तो ये एक बहुत प्रमुख विशेषताएं प्रश्नावली की हैं, जिसको हमने अभी अभी अध्ययन किया। प्रश्नावली प्रश्नों की सूची है जिसे डाक द्वारा उत्तरदाता के पास भेजा जाता है और उत्तरदाता क्योंकि शिक्षित है इसलिए स्वयं ही उत्तर लिखता है और प्रश्नों की सूची जिसका उत्तर उसने लिखा है पुनः डाक द्वारा ही उसको वापस भेजता है। प्रश्नावली बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से हम तथ्यों को एकत्रित करते हैं। इसमें विशाल क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है और गहन और गुप्त सूचनाएं भी प्राप्त की जा सकती हैं। इसके प्रमुख उद्देश्यों को भी हम पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली के उद्देश्य। फर्स्ट है, विस्तृत विशाल विविध एवं व्यापक रूप में बिखरे हुए लोगों से सूचना एकत्रित करना। विशेषताओं में भी हमने पढ़ा और परिभाषा से भी स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती है, अनुसंधानकर्ता को स्वयं नहीं जाना पड़ता, इसलिए इसमें विस्तृत और विशाल क्षेत्र से सूचनाओं को एकत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट उद्देश्य है, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय सूचनाएं एकत्रित करना। इसके माध्यम से प्रामाणिक और विश्वसनीय सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, क्योंकि आपका जब व्यवहार कोई नोटिस करता है तो व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। अवलोकन की यह सबसे बड़ी सीमा थी, लेकिन प्रश्नावली में कोई भी आपके व्यवहार को अवलोकित नहीं कर रहा है, तो सूचनाएं विश्वसनीय और प्रामाणिक रूप से हमें प्राप्त होती हैं। अगला उद्देश्य है, सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन। जो सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं वो पूर्ण रूप से लिखित हैं और उत्तरदाता द्वारा स्वयं लिखी जा रही हैं, तो यह व्यवस्थित रूप से लिखी जाती हैं और सूचनाओं का संकलन भी व्यवस्थित रूप से हमारे पास उपलब्ध हो पाता है। अगला उद्देश्य, वस्तुनिष्ठ अध्ययन के लिए। प्रश्नावली का प्रयोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं वह वस्तुनिष्ठ होती हैं और इनका प्रयोग आगे भी अनुसंधान में किया जा सकता है। नेक्स्ट उद्देश्य है, अनावश्यक तथ्यों को छोड़ना। प्रश्नावली के माध्यम से अनावश्यक तथ्य अपने आप ही छूट जाते हैं। जिन उद्देश्यों को लेकर प्रश्नावली का निर्माण किया गया है और जिन प्रश्नों को हमने प्रश्नावली में डाला है उसी का उत्तर उत्तरदाता द्वारा दिया जाता है,
तो इसके माध्यम से अनावश्यक सूचनाएं हमें प्राप्त नहीं होती। जब कभी हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे साथ अन्य कई तथ्य भी देखने में आ जाते हैं और अन्य कई तथ्य भी हमें लिखने में आ जाते हैं, लेकिन प्रश्नावली में अनावश्यक तथ्यों को छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट उद्देश्य है एक साथ एवं शीघ्र सूचनाओं का संकलन। इसके माध्यम से एक साथ और कई सारी सूचनाओं को शीघ्रता से एकत्रित कर लिया जाता है। प्रश्नावली प्रश्नों को एकत्रित, उत्तरों को एकत्रित करने की वह विधि है जो विशाल क्षेत्र में प्रयोग की जाती है और इसके माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं एक साथ एकत्रित कर ली जाती हैं। अगला उद्देश्य संख्यात्मक अनुमापन। जो सूचनाएं हमने एकत्रित की है उनका संख्यात्मक रूप से अनुमापन भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रश्नावली प्रश्नों की वह सूची है जिसके माध्यम से प्रामाणिक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और इन प्रामाणिक तथ्यों को स्वयं उत्तरदाता द्वारा भरा जाता है। अतः यह विश्वसनीय सूचना देना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। सोशल साइंस में चूंकि लैब में रिसर्च नहीं किया जाता बल्कि समाज और सामाजिक प्राणी का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ये जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वह पूर्ण विश्वसनीय वस्तुनिष्ठ होना आवश्यक है, तभी हमारी रिसर्च आगे बढ़ सकती है। तो प्रश्नावली इसमें हमारी पूर्ण मदद करती है। प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित डेटा पूर्णतया ऑथेंटिक होता है। इसका प्रयोग जब हम अपने रिसर्च में करते हैं तो हमें अच्छी सूचनाएं और वस्तुनिष्ठ सूचनाएं अधिक लंबे एरिया से, विस्तृत एरिया से प्राप्त की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को यह पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आप सभी घर में बैठकर इन सभी वीडियोस को देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। Once again, thank you very much.